बांदा में उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले बांदा जनपद के शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विद्यालय पर तालाबंदी कर बांदा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जिला कलेक्ट्रेट का है, जहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे बांदा जनपद हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्कूल में अवकाश करके ताला बंद कर पूरे बांदा में विभिन्न सड़कों से होकर काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाया और सरकार के विरोध में नारेबाजी किया। शिक्षकों ने विभिन्न समस्याओं पुरानी बहाली को लेकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी हीरालाल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर समस्या का निदान करने के लिए निवेदन किया। वहीं शिक्षकों ने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे चलकर और बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। किन मांगों के लिए जो प्रदर्शन किया आपने? हम अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने हमारी पेंशन बंद कर दी है, बीमे बंद कर दिए हैं, भत्ते बंद कर दिए हैं, हम लोगों के स्कूलों का सम्मेलन कर दिया गया है, हम लोगों के पदोन्नति बंद कर दी गई है, हमारे जितने भी पद हैं शिक्षक विधानाध्यापकों के पद बंद कर दिए गए हैं, कई सालों से प्रमोशन नहीं दिए गए हैं और सरकार हमें किसी भी तरह की कोई भी सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सरकार का विरोध करेंगे और सरकार से टकराव करेंगे, हमारी मांगें आप पूरी करेंगे। विद्यालय में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, सरकार जाने के हम किस तबकों को पढ़ा रहे हैं कि तन पर नहीं है कपड़ा और पेट में है रोटी, तन पर नहीं है कपड़ा ना पेट में है रोटी, ना मन करो तुम छोटा, ये मुल्क का है नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चों को पढ़ाते हैं और सरकार उन्हें कोई सुविधा देना नहीं चाहती है और हम लोगों की कंपेयर कम प्राइवेट स्कूलों से करती है। वहाँ बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ने को आते हैं, एक गरीब का बच्चा जो खेतों में काम करता है उन्हें सरकार की जनगणना बाल गणना निर्वाचन हर कार्य शिक्षक करता है, इसके बाद भी शिक्षक निकम्मा है। हमारा जो कार्य है शिक्षा देना, उससे हमें बहुत दूर कर दिया गया है और सारे आरोप कि शिक्षक इन कार्यों को नहीं करता है हमारे ऊपर लगा दिए जाते हैं। इसलिए हम सरकार को बता दें कि हमसे है सरकार, सरकार से हम नहीं, और नहीं मांगेगी मांगे हमारी तो हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय करतल से प्रदेश के समस्त जनपदों में शिक्षकों द्वारा संपूर्ण तालाबंदी करते हुए सरकार के खिलाफ पथ प्रदर्शन किया गया है और जो भी मांगे सरकार ने हमारी सहमति व्यक्त की थी उसके बाद भी कोई शासन आदेश जारी नहीं किया है। इसके क्रम में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षक महासंघ के नेतृत्व में आज धरना दिया गया है। प्राथमिक के समस्त विद्यालयों में तालाबंदी की गई है। आने वाले समय में यदि सरकार नहीं मानती है तो जो भी प्रदेश नेतृत्व करेगा तो लंबे समय तक के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपको? आशुतोष त्रिपाठी, अध्यक्ष शिक्षक महासंघ। सर, ये आज किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहा है? ये उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ जनपद बांदा का धरना प्रदर्शन था और ये शिक्षक महासंघ ने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय की ओर से मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है और इस ज्ञापन को संबंधित तक पहुँचाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये आज हजारों की संख्या में यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन करने आए हैं, क्या सर इन्होंने इसकी परमिशन पहले से ले रखी थी या नहीं? मैंने LIU से बात की तो LIU ने बताया हाँ, इन्होंने पहले ज्ञापन दे रखा था कि मुझे 21 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना है, तो इससे स्पष्ट है कि उन्होंने पहले से अनुमति दी।